क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या हुआ? अभी तो स्टाइल ही बदल गया, अभी दूसरे तरीके से बोला। हाँ रुक क्या जाओ, बाइक की आवाज ही ऐसी है, क्या रुको, स्पीड में आ रहा हूँ मैं, कमाल होगी यार। नहीं इतनी तेज चीख के बोला, मेरे हेलमेट डाला, मेरे को अंदर तक आवाज आ गई। अच्छा ओवरटेक तो मैं करूंगा, तो स्पीड पे कहां आ रहा हूँ आराम से यार, आवाज इसकी ऐसी है, क्या करूं मैं, हटे। आपका पिकअप बहुत हाई है, इसलिए बोला। तो मेरा तो है ही पिकअप भाई। हाँ नहीं जिस तरीके से बोला ना, नहीं आपने चीख के बोला ना, मेरे को यहाँ तक सुनाई दे गया, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ अपना आराम से। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज का सीन ये है, और पहली बात तो अभी बज रहे हैं 4:30, ठीक है, बारिश का मौसम लग रहा है पूरा, कल रात को बारिश हुई थी। लेकिन आज का प्लान ये है कि मयंक भाई से बात हुई है, वो कह रहे हैं गुड़गांव आ जाओ, जीटी ट्यूनर्स के सामने है, उनके किसी दोस्त ने कोई कार कस्टमाइजेशन का स्टोर खोला है, तो वहाँ पर जाना है। एंड वो कह रहे हैं पहले उधर आओ, फिर बताता हूँ आगे का प्लान। तो अभी पहुंचना है गुड़गांव, एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं लेट हूँ, टू शू। और एक बात और, वाइट लाइटें लग चुकी है, मतलब इसके अंदर एलईडी लग चुकी है, 180 वॉट की एलईडी है इसमें, मतलब मैंने दो लगा रखी है, ये देखो चिटियाँ चिटे तो एलईडी जो है ना इसके अंदर काफ़ी तेज़ है, मतलब रात को ना अगर ब्लॉग बनाते बनाते रात होगी, वैसे तो रात हो ही जाएगी, उसके अंदर ना आप इसकी क्लैरिटी देखना। और आपको मैं बताऊंगा भी कि मैंने कौन सी कंपनी की लगाई हुई है, बहुत। और ना यहाँ से थोड़ी सी काटी भी हुई है मैंने, पीछे का जो फैन है ना वहाँ से थोड़ी सी यार काटनी पड़ती है, सभी को काटनी पड़ती है, तो जरूरी है, बाकी ऑल गुड। अब सबसे पहले फ्यूल डलवाया जाए, फ्यूल नहीं है बाइक में बिल्कुल भी, और उसके बाद जीटी ट्यूनर उड़ते हैं, मतलब उन मेरे को नाम नहीं पता, स्मोक इन कस्टम करके है, बट वो ऑपोजिट एकदम जीटी ट्यूनर्स की है, तो मेरे को वहीं पहुंचना है फटाफट। और भाई वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट करके आप लोग बताओ यार, धनाधन डल रही है। तो भाई फ्यूल डलवा लिया, अब चलते हैं सीधा। और एक बात और मैंने आप लोगों को अपडेट देना था एक चीज का, कि मैंने अपना कुछ स्टार्ट किया है, मतलब स्टार्ट क्या किया है, बहुत एक अच्छी चीज मैंने बनवाई है, बस 2 या 3 दिन के अंदर वो आ जाएगी, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में शायद आप लोगों को वो चीज दिख सके, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में तो जरूर ही दिखेगी। तो कुछ अच्छी चीज शुरू करी है। और भाई साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फेसबुक पे भी मैंने अपना पेज बना रखा है, व्हीली बॉय बनी के नाम से, स्क्रीन पे आ रहा होगा, अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे जाके क्लिक करो, वहाँ पे जाके भाई फॉलो करो भाई को, वहाँ पे भी व्हीली क्लिप्स वगैरह या ब्लॉग्स डालता रहता हूँ मैं, तो आप फेसबुक पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। और स्नैपचैट पे मैं ज़्यादा डालता नहीं, थोड़ी सी पर्सनल है स्नैपचैट है ना। इस टाइम गुड़गांव जाना मतलब कि लगा रहे हो, वापस आते हैं होश उड़ने वाले, बट ठीक है 9 बजे के बाद ही, मैं अभी सोच रहा हूँ कि 9 बजे के बाद ही वापस आऊँ, क्योंकि अभी अगर 7 बजे तक वापसी का प्लान है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो अभी 7 बजे वाला तो ऐसा कोई सीन नहीं है, बाकी भाई यार वॉश भी करानी है, काफी टाइम से खड़ी रही, गंदी हो चुकी है, बस फटाफट कपड़ा मारा और निकल गया हूँ। इस बार ही तो मैंने संडे राइड भी नहीं करी, मतलब पिछले संडे राइड करी थी, वो तो बहुत ज्यादा अजीब सी गई, मतलब कि कभी पता ही नहीं लग रहा कहाँ जाना है क्या करना है, कोई बंदे पीछे छूट गए हैं, कोई कहाँ छूट गए, क्योंकि बंदे काफी ज्यादा हो गए थे, मिस कम्युनिकेशन की वजह से बस थोड़ा सा सिस्टम खराब हो गया, नहीं तो सिस्टम बहुत बढ़िया था। मैं कैसे खींच रहा ना यहाँ पे, मेरे को ही पता है। खींचता ना
फोन में खींच नहीं पाएगा तो जाम इतना ऊपर से मैंग भाई फोन का फोन कहाँ रह गया कहाँ रह गया। अरे भाई आ रहा हूँ रुको तो सही थोड़ा ठहरो, गुड़गांव वहाँ ज़्यादा खींचूँगा शोर करेगी कंप्लेंट हो जाएगी तुम्हारे पास भूसा है। ये आ गया क्रेव डिजाइन, ये रहा क्रेव डिजाइन। मैंने अपनी सियाज के अलॉय व्हील्स यहीं से डलवाए थे, उस टाइम पे मेरे अलॉय व्हील्स डले थे 120,000-130,000 रुपए के। लो ये आ गया अर्जनगढ़, यहीं कहीं खड़ा है मैंग भाई। भाई साहब इतना जाम होता है ना तुम्हें मजाक लगता है दिल्ली से यहाँ आने में, तुम तो आ जाते साथ दिल्ली से मुंह उठा के। इतने तो नहीं हुए, भूसा आ गई है अपनी। क्या लगवाना है अब? पेट्रोल पहले चल लो ना फिर डलवाना। चलो भाई ये दे पटाके। ओहो तो अब हम जा रहे हैं स्मोक कस्टम्स शायद यही नाम है, और वहां चलते हैं थोड़ी देर बैठेंगे भाई वगैरह से मिलके, फिर आगे का सीन महंगी बताएगा क्या है भाई लोग। कैसे हो? दिस इज स्मोकिंग कस्टम्स। हम पहुंच गए स्मोक कस्टम्स में, स्मोक इन कस्टम्स पे, और ये अपने साहिल भाई की शॉप है। यहाँ पे गाड़ी वगैरह काफी सारी मॉडिफाइड वगैरह होती हैं, मतलब मॉड्स आपने जितने लगा सकते हो ना, मतलब जितने बॉडी किट से लेके मतलब इंजन तक ये वो टर्बो सब A to Z। और भाई कह रहे हैं तुमने LED लगाई ली है, पहले तुम्हारी बाइक लगती थी स्प्लेंडर, लेकिन अब स्प्लेंडर नहीं लग रही, अब लग रही है अपनी सुपर बाइक। लाइट कौन सी लगाई है मैं रस्ते में बोलता आ रहा था, लेकिन अब दिखाता हूँ लाइट कौन सी है। करें स्टार्ट? हाँ मेरे को देखनी भाई, मैंने जब तक तुम्हारे भी ज्यादा तेज है, मैंने तुम्हें कहा था रुक जाओ। नहीं भाई मैं भी लगवाऊंगा। चलो देखो देखो कैसी लग रही है फिर। गाड़ी भी यहीं से तैयार कराएंगे, है मजाना शोर। ओए ओए यहाँ पे गाड़ियों में लग रहे हैं एग्जॉस्ट, ये पड़ी बॉडी किट, टर्बो का काम हो रहा है, उधर स्क्रैम्बलर, मतलब रैप वगैरह सब कुछ है साहिल भाई, सब कुछ मतलब A to Z। ये देखो लाइटें जा रही, स्टॉक सामान जा रहा है स्विफ्ट का अभी इन्होंने। हाँ ऐसी एकदम ट्रैक गाड़ी बना के देंगे। तो अब सीन क्या है? सीन आओ क्या, कौन सा सीन है? गंदी बातें यार, गंदी बातें। गेट देखो तुम यार, यार गेट देखो सर। अरे बहुत जबरदस्त है पॉल वॉकर भाई साहब, आज GTR है पॉल वॉकर 33 स्काईलाइन 34 3 पॉल वॉकर 34 पॉल वॉकर ट्रिब्यूट है। आए JDM लवर्स, स्टॉक सामान निकल रहा है भाई। इन्होंने वो किया स्विफ्ट मॉडिफाइड करी, मतलब क्या-क्या चेंजेस हुए। फन रेड कैंडी। तो अब चल रहे हैं सीधा ढाबे, वहां पे बैठेंगे खाएंगे पिएंगे, भूख लग रही है। तो साहिल भाई के पास आए थे इधर स्मोक इन कस्टम, ये देखो भूसा है धक्के मार मार चला रहे हैं।
लो तो हमारे साथ स्कैमलर भी आ गई है दुगाटी की। चलो अब हो गई है बूसा टेना स्कैमलर, चले चलो चलो ओके जी चलो। काठी दुकाठी ना लागी है, क्या हो गया? चले भैया जी, तो ये लाइट देखो, लाइट के जलवे देखो। ओ, ओ, ओ। कसम से बाजार के बीच में फंस गए हैं। आंटी जी जान दो, जान अरे जान दो रे अम्मा जान दो। ओहो ओहो एक बारी और, एक बारी और। ओके ठीक है, ओके बाय। जनता उठा दे एक बारी, जनता जनता साफ करनी है एक बारी। अरे एक बारी बैकफायर हम भी देख लेते आज। अरे 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 बंदा आ रहा, आ गया। ओ हो बैकफायर बन रही है, बनाओ। इस बंदे ने रेल बना दिया आज भाई, भाई ने लगा रखा है ब्रॉक 421 फुल सिस्टम, बैक फायर का शौकीन हो चुके हैं आजकल। ए बैक फायर वो 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 ओहो बंदे को हो क्या गया भाई। एक तो ये रोड थोड़ी सी ऐसी है ना बम्पी टाइप सी, इसलिए मैं ज्यादा व्हीली लंबी खींच नहीं रहा। हमारे पास भी बैक फायर है भाई, ज्यादा आ रही है ब्रॉक्स परफॉर्मेंस। जी ढाबे आ गए, अब हम बैठेंगे टंकुश पे। ये बोलते हैं टंकुश लेकिन मैं बोलता हूँ टंकी, ये लोग यहीं बैठे रहते हैं क्योंकि ना कंप्लेंट होने में देर नहीं लगेगी। करके बताना भाई एलईडी कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो करो ना सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो पटाख से, ये देखो लिखा पुलिस है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या हुआ है? हाँ तो मैं स्पीड पे आ रहा हूँ अभी तो, अभी तो स्टाइल ही बदल गया, अभी दूसरे तरीके से बोला मेरे। हाँ हाँ रुक क्या जाओ, बाइक की आवाज ही ऐसी है, क्या रुको, स्पीड पे आ रहा हूँ मैं, कमाल होगी यार।
आपने बोला यार? नहीं इतनी तेज चीख के बोला, मेरे हेलमेट डाला, मेरे को अंदर तक आवाज आ गई। अच्छा ओवरटेक तो मैं करूंगा, तो स्पीड पे कहां आ रहा हूं आराम से यार, आवाज इसकी ऐसी है, क्या करूं मैं, कमाल होगी यार तुम्हारी तो। नहीं नहीं सर आप जाइए, गलती तो हमसे हो गई। हाँ नहीं नहीं वो बात नहीं है बाइक वाला, ये दूसरे गियर पे भी चलाऊंगा ना, ऐसे लगी बहुत तेज चल रही है। हाँ आपने रिकॉर्डिंग करो, आपको लग रहा है कि आपके पास नहीं, कैमरा तो बंद पड़ा है, लाइट कर रहा है। हाँ आपको लग रहा है कि आप सच्चाई बोल रहे हो? हाँ हाँ बस ठीक है, मेरे को इसमें दिख रही है ना मैं कितनी स्पीड पे हूँ कितना नहीं हूँ बस। नहीं लेकिन आपने जितना तेज बोला ना मेरे को यहाँ तक सुनाई दे गया। हटे आपका पिकअप बहुत हाई है इसलिए बोला, तो मेरा तो है पिकअप भाई। हाँ नहीं जिस तरीके से बोला ना, नहीं आपने चीख के बोला ना मेरे को यहाँ तक सुनाई दे गया, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ अपना आराम से। सर आप छोड़ो, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ। हाँ तो आपने इतना तेज चीख के बोला मेरे को यहाँ तक सुनाई दे गया, वरना मैं रोकता बाइक, मैं तो आराम से जा रहा था अपना। हाँ रुकने दे, आपने हट जा, ये मेरे को सुनाई दिया है। चलो ठीक है मैं चेक कर लूंगा। ये मेरे को बताएंगे क्या करना, दोगी यार लोगों की। मैं बहुत अपना आराम से ऐसे निकल रहा हूँ, बाइक की आवाज तेरे ऐसे बोले हट रहे, ये क्या तरीका भाई, कमाल होगी यार लोगों की, बदमाशी हो रही है इनकी तो। मैं कह रहा हूँ आराम से, कोई नहीं कह रहा, रिकॉर्डिंग कर लो, सच्चाई दिख रही है। अरे वो तो कैमरा, इसको कैमरा दिख गया ना कि हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, तभी आराम से बोल रहा है, नहीं तो जिस तरीके से इसने बोला ना हट रे, रैप्टा ऐसे बजाता ना मैं इसके कैमरा बंद करके, मेरे को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो ये ऐसे तरीके के ड्रामे करते। यार हम भी सड़क पे चल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हट रहे हट रहे, क्या तरीका है। कैमरा देख के शांत हो गया, सिर्फ कैमरा देख के कि हाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हो, पता वायरल हो जाएगी, कल को कुछ हो गया, हाँ जी आ जाओ थाने के चक्कर काटो, ये हो जाएगा।